हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कर्ड सैंडविच, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने एक बाउल घर का जमा फ्रेश दही लिया है, ये वेट में 200 ग्राम से। तो सैंडविच बनाने के लिए दही को हमें पहले हंग करना होगा। तो करना क्या है, हम एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर कॉटन या एक मसलन क्लॉथ डालेंगे, इसमें हम दही डाल देंगे और इसके चारों हम जो साइड हैं इस प्रकार से पकड़कर हम हल्का सा राउंड कर देंगे और यहाँ हम इसे लटका देते हैं। इससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो 30 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा बड़ा चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती, प्लेन नमक, और मैंने यहाँ 10 स्लाइस ब्रेड के लिए है, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और एक मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली है, एक छोटे साइज़ का प्याज, एक छोटे साइज़ का टमाटर, यहाँ मैंने हाफ शिमला मिर्च ली है क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो आप छोटे साइज़ की एक शिमला मिर्च ले सकते हैं। और टोस्ट करने के लिए चाहिए हमें घी या बटर। और चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 5 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, 4 कली लहसुन, 1/2 इंच अदरक और 1 मुट्ठी धनिया पत्ती। तो सबसे पहले हमें चटनी बनाकर तैयार करना है। धनिया पत्ती को हम काटकर इस चटनी जार में डाल लेंगे इस प्रकार से। अब इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये जीरा। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच नमक। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये चटनी हमारी तैयार है। चटनी को हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो चलिए देखते हैं, 30 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी पानी निकल चुका है। थोड़ा सा पानी इस प्रकार से प्रेस करते हुए हम और निकाल देंगे। ये जो निकला हुआ पानी है इसका यूज़ आप आटा लगाने, ग्रेवी बनाने में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा गाढ़ा थक्का हंग दही तैयार है। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। दही जितना गाढ़ा थक्का होगा स्टफिंग उतनी ही अच्छी बनेगी। तो कपड़े को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। तो ये रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई सब्जियाँ। तो सब्जियों को आप जितना बारीक काटेंगे स्टफिंग उतनी ही अच्छी बनेगी। गाजर को मैंने यहाँ ग्रेट करके डाला है और टमाटर के मैंने यहाँ बीज निकाल दिए थे। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे और ये धनिया पत्ती। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टफिंग हमारी तैयार है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो एक स्लाइस हम ब्रेड की लेंगे, इसके ऊपर हम 1/2 चम्मच हरे धनिया की चटनी को ब्रेड की चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। चटनी लगाने से जो इस सैंडविच का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है, यानी डबल हो जाता है। अब इसके ऊपर हम 2 से 2.5 चम्मच स्टफिंग को उसी प्रकार से ब्रेड की चारों तरफ लगा देंगे। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। ये स्टफिंग मैंने सिर्फ 10 ब्रेड के लिए ही तैयार की थी। अब हम ब्रेड की दूसरी स्लाइस में उसी प्रकार से चटनी लगा लेंगे। इसके बाद इसे कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे। बटर आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे टोस्ट करेंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और जिस साइड मैंने बटर लगाया था उस साइड को हम नीचे रखेंगे। ऊपर से भी हम बटर को लगा देंगे। फ्लेम को मैंने लो रखा है, ये ब्रेड हमें लो फ्लेम पर ही टोस्ट करना है। तो इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन होने तक टोस्ट करना है। तो ये देखिए ब्रेड हमारी दोनों साइड से गोल्डन कलर की होगी। मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो दूसरे पीस को भी हम उसी प्रकार से टोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पर टोस्ट करने से ये जो ब्रेड है हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रिस्पी टोस्ट होती है। तो ये पीस हमारी तैयार है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको इसे कट कर दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये सैंडविच बनी हुई है। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।